नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। गुरुवार को यूपी सरकार ने 2022-23 का वादा पूरे करने वाला बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ज्यादा फोकस महिलाओं, युवाओं और किसानों पर रहा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से वित्त वर्ष 2020-21 और 21-22 में वैश्विक आर्थिक मंदी रही, जिसका प्रभाव यूपी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से गुजर चुका है और तेजी से सुधार हो रहा है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया जाएगा। IIT GNL ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तलिप पार्क, फ्लेटेड फैक्ट्रियां आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है। किया गया है यूपी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। योगी सरकार का ये 6ठा बजट है जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसमें महिलाओं, बच्चों पे खास फोकस किया गया है। साथ ही साथ किसानों को भी एक बड़ा उपहार दिया गया है इस बजट के द्वारा। इस बजट में बात करें एयरपोर्ट्स की तो उनके लिए भी बजट जारी किया गया है। साथ ही साथ अयोध्या के लिए, क्योंकि एक धर्मनगरी है, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी उसके लिए बजट पेश किया गया है। बच्चों के लिए ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए भी बजट में ध्यान दिया गया है। कई मुद्दों पर, कई अहम ऐसे चीजें हैं जिनके लिए चाह रहे थे लोग कि बजट में जगह मिले और उनके लिए बजट जारी भी किया गया है। तो योगी सरकार का ये 6वां बजट है जिसमें कई बड़े तोहफे दिए गए हैं। आज प्रदेश की जनता को 6,15,518 करोड़ का बजट आज पेश किया गया है। ये 6वां बजट है और 6.15 लाख करोड़ से अधिक का बजट आज जारी किया गया। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़, 3 महिला PSC बटालियन गठित की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी बजट में योजनाएं लाई गई हैं। मिशन शक्ति को 20 करोड़ का बजट दिया गया है। 5 सालों में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटने की बात कही है सरकार ने। तो इस तरह की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको सरकार लेकर आई है और बजट में अहम स्थान दिया गया है। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज कई बड़ी सौगातें दी गई हैं प्रदेश की जनता को। बात करें महिलाओं की तो महिलाओं के लिए पुलिस में जिस तरह से स्थान दिया गया है और सुरक्षा के लिए ध्यान दिया गया है, महिलाओं को काफी ज्यादा तवज्जो दी गई है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ उपहार मिला है प्रदेश की महिलाओं को? जी शिखा, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आज पेश हुआ है। वहीं आपको बताएं कि योगी सरकार की तरफ से अगर देखें तो जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उनके द्वारा 90 मिनट के संबोधन के बाद बजट पेश किया गया। 90 मिनट तक उन्होंने बजट को लेकर संबोधन किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, जो कि 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अब तक उत्तर प्रदेश में इतने रुपए का बजट नहीं पेश किया गया, ये एक आप अपने आप में रिकॉर्ड है। वही आपको बताएं शिखा कि इस बार का बजट हर साल की भली भांति, चाहे बात की जाए देश की आजादी से, तो अब तक देखा जाए तो ये पेपरलेस बजट था, जिसमें जो कंप्यूटर के माध्यम से सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। वही आपको बताएं
कि सूचना एवं प्रौद्योगिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नीति के अंतर्गत 5 सालों में अगर देखा जाए तो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात की गई है। वहीं अगर देखें तो माध्यमिक शिक्षा चयन में साक्षरता समाप्त कर और 40,402 शिक्षकों और 750 पदों पर सृजन को लेकर बात कही गई है। वहीं आपको बताएं शिखा कि इस बार का बजट कहीं ना कहीं सड़कों के निर्माण और जो आपके मेट्रो है उसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं गांवों के अंदर में अगर देखें तो कल्याण सिंह के नाम से ग्राम उन्नति योजना के तहत स्थापना की जाएगी, साथ ही साथ ग्रामीण सड़कों पे भी अब जो ग्राम सभा की सड़कें होती हैं उसपे भी सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ और आपके सोडियम लाइट लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो शहरों के साथ साथ ग्राम के भी विकास को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने आश्वस्त किया है, इस पे काम करने की बात कही जा रही है। वही शिखा आपको बताएं कि बजट के अंदर में 500 रुपए में जो ग्रामीण इलाके हैं या जो देखें तो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवार हैं उनके लिए 500 रुपए में बिजली का कनेक्शन का प्रावधान किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं उन्हें 500 रुपए में महज बिजली का कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया। वहीं आपको बताएं कि बथुआ के अंदर में डेयरी प्लांट लगाने की बात कही गई है। वहीं नमामि गंगे को 97,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिससे गंगा की सफाई हो सके। साथ ही आपको बताएं कि गोंडा के अंदर में कृषि विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई है, उसकी रूपरेखा तय की गई है। और वहीं शिखा आपको बताएं कि 2024 को चुनाव को देखते हुए जो इस बार का बजट है वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा क्षेत्र है, चाहे बात की जाए युवा, चाहे बात की जाए महिला, चाहे बात की जाए किसान, चाहे बात की जाए सड़कों के विकास एवं मेट्रो की, तो कहीं ना कहीं सभी चीजों को ध्यान में देकर इस बार का बजट पेश किया गया है। वहीं नए मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट के अंदर में। और वहीं वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो को पूरे विस्तृत रूप से विकास को लेकर जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं आपको बताएं कि आज तक कृषक के इतिहास में जो किसानों के इतिहास में अगर देखा जाए तो विकास के रूप में कृषक दुर्घटना कल्याण के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे अगर कोई भी कृषक किसी कार्य हेतु अगर उसके दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसे सरकार की तरफ से उसे हर्जाने भी दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है और अनाथ बच्चों को कक्षा को 6 से 12 तक 15 जिलों में आवासीय छात्रावास की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए शिखा तो महिलाओं को एक बेहतर समाज में उनका योगदान को लेकर अब पीएससी के अंदर में 3 बटालियन का गठन करना, कहीं ना कहीं जो महिला और पुरुष के बीच जेंडर इक्वेलिटी की बात होती है, कहीं ना कहीं महिला और पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने और समाज में उनके योगदान की बात कही जाती है, उसके क्षेत्र में एक बेहतर काम है। वहीं आपको बताएं कि जो ऐतिहासिक इमारतों हैं, जो प्रदेश भर की ऐतिहासिक इमारतें हैं जो एएसआई के अंडर में है, तो वित्त मंत्री ने अपने बजट के अंदर में कहा है कि उनके संरक्षण को लेकर हमारा पूरा जिम्मा है कि हम उसे संरक्षित करें, साथ ही साथ उसे अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो इमारतें हैं वो टूट रही है, उसके संरक्षण को लेकर भी सरकार काम करेगी। जी बिल्कुल। वही आपको बता विभाषु बात करी जाए इस किसानों की, किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी गई है, उनके लिए सोलर पंप से लेके कई अन्य चीजों पे भी ध्यान दिया गया है। गन्ना किसान के लिए भी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस बजट में देखा जा रहा है कि गन्ना किसान की हमेशा बात करी जाती है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि किसानों की नजरें हमेशा ही बजट पे रहती हैं। जी बेशक शिखा आपको बताया कि किसानों को लेकर कहीं ना कहीं जो एक वादे किए जा रहे थे सुबह आज बजट से पहले चर्चाओं में चल रहा था कि किसानों को फ्री बिजली सिंचाई के लिए दी जा सकती है, साथ ही साथ आपको बताया कि ऐसे कई सारे जो सुर्खियों में चल रहे थे मगर ऐसा कुछ बजट में देखने को नहीं मिला। मगर आपको बताएं कि जहां एक तरफ ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो किसान है वो अपने खेती में सिंचाई के लिए अब सरकार की तरफ से उन्हें विशेष राहत देते हुए आपको बताएं कि देने का काम किया गया है। और शिखा आपको बताएं कि किसानों को
अब अनुदान पे जो सोलर पंप है वो लगाने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान जो डीजल और तमाम जो सिंचाई के माध्यम उससे आश्रित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोलर पंप लगाने से किसानों की जो लागत है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ जो ईंधन की जो उनके प्रयोग करते थे सिंचाई को लेकर उसमें भी कमी आएगी, तो किसान कहीं ना कहीं इसे इस लाभ से कहीं ना कहीं उत्सुक है और किसानों की आशा अपेक्षाएं बढ़ गई है कि अब सोलर पंप जल्द से जल्द उनकी खेतों में लगाए जाए जिससे उनकी सिंचाई सस्ती हो सके और उन्हें जो किसानी है उसमें लाभ मिल सके। और वहीं अब शिखा आपको बताएं कि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से जो एंटी मूवी स्क्वाड का गठन किया गया था उसको मजबूती से अब हर एक जगह पे स्थापित किया जाएगा जिससे महिलाएं प्रदेश के अंदर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। वहीं आपको बताएं कि राज्य में सभी जिलों में 2740 महिला पुलिसकर्मियों को लगभग 10,300 महिला बीट बांटी गई है, तो सभी जिलों के लगभग 2,440 महिला पुलिसकर्मियों को 10,370 बीट बांटी गई है। वहीं आपको बताएं कि लखनऊ और गोरखपुर बदायूं में 3 महिला पीएससी बटालियन की स्थापना की जाएगी, तो लखनऊ गोरखपुर और बदायूं तो राजधानी लखनऊ के साथ साथ अब जो मिनी राजधानी है गोरखपुर जिसे मिनी राजधानी कहा जाता है तो वहाँ और साथ ही साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ खासकर देखा जाए तो विकास की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कम देखी जाती है अन्य राज्यों से अन्य जिलों से। पिछले बजट से तुलना करी जाए तो इस बार का बजट कितना संतोषजनक है क्योंकि विपक्ष की भी अब टिप्पणी सामने आ चुकी है। जी बेशक शिखा आपको बताए कि जहाँ विपक्ष अपनी टिप्पणी कर रहा है वही अभी बहुत कुछ देर पहले अभी प्राइम टीवी ने आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता से बात की है, तो संजय गुप्ता ने साफ तौर से कहा है कि हमारी जो आशा अपेक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं सरकार ने उस पर काम नहीं किया है। और संजय गुप्ता से जब पूछा गया कि क्या आशा अपेक्षा लेकर आदर्श व्यापार मंडल सरकार से आशाएं लगाए हुए था तो संजय गुप्ता की तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से अगर देखें तो जो ई कॉमर्स साइट है उस पर रोक लगाकर और साथ ही साथ ऐसे कई सारे अजारक तत्व एवं कई सारे प्रतिबंधित चीजों की डिलीवरी का मामला सामने आया है और समाचार पत्रों में छपा है, तो संजय गुप्ता ने साफ तौर से कहा कि ई कॉमर्स पे रोकथाम की जाए, साथ ही साथ बाजारों के अंदर में अगर देखें तो सीसीटीवी फुटेज का व्यवस्था जो सरकार कह रही है कि दुकानदार अपने स्वयं से करे, तो उनकी आशा अपेक्षाएं थी कि सरकार बाजारों के अंदर में सीसीटीवी फुटेज लगाए, तो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल के लोग इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष में भी जो तमाम वादे किए गए थे मैनिफेस्टो के अंदर में उस पर सवाल खड़ा करते हुए और सरकार को साधा है, और अभी कुछ देर पहले बजट आया है और अगर शाम तक देखें तो सभी दलों की अपनी स्वयं प्रतिक्रिया आ जाएगी। बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो बजट पेश हो गया है जहां इसे महाबजट बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, हर एक वर्ग के लिए ये बजट उपयोगी बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो वहीं विपक्ष अब इस पे भी निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर के कस्तूरबा जिला महिला अस्पताल के बाद अब जनपद की 23 सामुदायिक और प्राथमिक केंद्रों पर मदर न्यू बॉर्न के यूनिट वार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही जनपद में जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर एक महीने से 10 से ज्यादा डिलीवरी कराई जाती है वहां पर एमएनसीयू वार्ड का निर्माण कराया जाएगा। इस वार्ड के बनने से नवजात शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाया जा सकेगा, जिसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश यादव ने बताया कि एमएनसीयू वार्ड का निर्माण होने से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। महाराजगंज पुलिस ने नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए सीओ नौतनवा के नेतृत्व में 3 थानों का संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं इस दौरान पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 100 ml की 40 ओनरेक्स सिरप बरामद की गई है जिसका इस्तेमाल नशा करने के लिए किया जाता है। देखिए कल जनपद महाराजगंज में 3 थानों की टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया
और इसमें साथ में वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर और CO साहबान का पर्यवेक्षण भी रहा लगातार। और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को तस्करी किया करते थे या आसपास के बॉर्डर के क्षेत्रों में जिसकी सप्लाई किया करते थे। ये 3 अभियुक्त हैं राजापुरी पुत्र मोहनलाल पुरी, शैलेश तिवारी और उपेंद्र सिंह। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जिले को 108 नंबर की 3 नई एम्बुलेंस दी गई है, जिसे जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए श्रावस्ती को 3 नई एम्बुलेंस दी गई है। इसके साथ ही जिले में 108 नंबर की 19 एम्बुलेंस हो गई है। नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कहा कि प्रदेश सरकार जन जन को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थनगर में गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जहां गरीब परिवार घास फूस के मकान में रहने को मजबूर है। साथ ही परिवार का आरोप है कि बीजेपी सरकार गरीब परिवारों की भलाई के लिए कई जनहितकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने वाले अधिकारी लापरवाही के चलते गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि मिठवल ब्लॉक के इमलिया कठना का ये मामला है, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोग कच्चे और घास फूस के मकान में रहने को मजबूर है, जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सर, मेरा नाम विवेक कुमार है, ग्राम इमलिया का रहने वाला हूँ, मिठोल ब्लॉक लगता है। सर, प्रधानमंत्री आवास वाला आवास हमको नहीं मिला, हम यही चाह रहे हैं हमको आवास मिल जाए। शासन से ही गुहार है हमको, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधान के लिए गए, वो बोल रहे हैं दूसरे से करवाओ, ऐसा वैसा बोल रहे हैं, सबके लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। फरीदाबाद में ओखला से गायब हुई मंदबुद्धि बच्ची को फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ लिया है, जहां परिजनों से बच्ची को पुलिस ने मिला दिया और पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों को ढूंढने में आसानी भी हुई है। आपको बता दें कि ओखला गांव से एक मंदबुद्धि बच्चे अपने घर से निकल गई, जिसके बाद में घूमती हुई फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में जा पहुंची, जहां पर हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल ने उसे देख लिया और अपने साथ लेकर उससे पूछताछ की, लेकिन बच्ची कुछ भी बताने असमर्थ दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो वो वीडियो परिजनों तक जा पहुंचा। परिजनों ने उसके बाद फरीदाबाद पुलिस के पास फोन किया और बच्ची के बारे में बताया, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने बच्ची को परिजनों के हवाले कर दिया। ये एक मंदबुद्धि बच्ची है जो 22 तारीख को ओखला से लापता हुई थी, इंदिरा नगर ओखला की रहने वाली है, वहाँ से लापता हो गई थी और 23 तारीख को ये घूमते हुए फरीदाबाद ग्रीनफील्ड इलाके में पहुँच गई थी। वहाँ हमारी टीम ने और जिला पुलिस ने इसको रेस्क्यू करके उसमें छोड़ा, ये CWC माध्यम से SOS में छोड़ा, जहाँ हमने कल जा करके बच्ची की काउंसलिंग की। बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी तो उसकी 1 मिनट की वीडियो बना करके हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बच्ची को ग्रुपों में डाला, और जिससे इसके परिवार का हमारे पास फोन आया कि ये बच्ची हमारी है, तो हमने इसके परिवारजन को आज बुलाया है और CWC के माध्यम से बच्ची को परिवार के हैंडओवर कर दिया है। खबर हरदोई से है, जहां खनन माफियाओं के तालाब पटवाने का मामला सामने आया है। वहीं बिना परमिशन खनन माफिया ने 14 लाख का ठेका लेकर तालाब से मिट्टी डलवा दी है। मामले में ठेकेदार सचिन मिश्रा का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल खनन माफिया तालाब की जमीन पर प्लॉटिंग करना चाहते हैं। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर चौकी के कौड़ा तालाब का ये मामला है। तो तालाब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है, तालाब में मिट्टी डाल दी गई है और ये मामला अब संज्ञान में भी आया है। हरदोई से ये खबर सामने आ रही है, बिना परमिशन के ही इस तरह से कब्जा किया जा रहा है, जहां खनन माफियाओं के तालाब पटवाने का ये मामला सामने आया है। खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। इस खबर में हमारे संवाददाता अर्थराज सिंह जुड़ चुके हैं। अर्थराज, हम पूरा मामला जानना चाहेंगे। ये शहर कोतवाली क्षेत्र में खनन माफियाओं के तालाब पटवाने का मामला सामने आया है। बिना परमिशन खनन माफिया स्थानीय पुलिस के मिली भगत से तालाब पटवाया जा रहा था। राधानगर चौकी क्षेत्र में खनन माफियाओं ने कौड़ा तालाब भरवा कर इसमें जो मिश्रा जी के नाम से जो ऑडियो वायरल हो रहा है, 14 से 20 लाख के बीच ठेका लेने का ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें। जी, तो क्या इसकी शिकायत पुलिस ने ले ली है और इस पे कोई कार्रवाई करी है या नहीं?
अभी नहीं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ हरदोई से संवाददाता हर्षराज सिंह जुड़े थे। एटा में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शहीदों के सम्मान में पुलिस लाइन के पास शहीद स्मारक स्थल पर राष्ट्रभक्ति के गीत गाए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहीद और उनके परिवारों के प्रति श्रद्धा भाव जगाने के साथ साथ समाज में सम्मान देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा देशभक्ति की भावना रखते हुए शहीदों के बलिदान का सम्मान करना चाहिए। मिलावटी देशी शराब बेचने वालों को कोर्ट ने 5 साल कैद और 7,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 8 साल पुराने मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। आबकारी निरीक्षक ने छापेमारी कर परचून की दुकान से मिलावटी शराब बरामद की थी, जिसका मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि पूरा मामला 8 मार्च 2014 को तत्कालीन आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कपूरापुर में एक परचून की दुकान पर छापा मारा था, जहां दुकान में मिलावटी नकली देशी शराब की पैकिंग की जा रही थी। अवैध अपमिश्रित शराब देसी ब्रांडिंग कर बेची जा रही थी, इसको थाना सदर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था टिल्लू कटियार को, और इसके खिलाफ आरोप न्यायालय में 28-10-14 को पुलिस द्वारा प्रेषित किया गया था। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी न्यायालय में। इस मामले की आज सुनवाई पूर्ण हुई और सुनवाई के पश्चात सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए गहन मंथन के बाद माननीय न्यायालय ने आज इसमें अभियुक्त टिल्लू कटियार को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही इस पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। खबर गाजीपुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। वहीं इस क्रम में स्थानीय प्रशासन ने मोहम्मदाबाद कस्बे में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान के तहत सड़कों, पटरियों और रास्तों पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। देखिए, शहर और जनपद की सड़कें साफ सुथरी रहें, किसी को आवागमन में असुविधा न हो और व्यापार और व्यवसाय भी सुगमतापूर्वक चलता रहे, आम जनमानस सुखद अनुभव कर सके, इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है। व्यापार मंडल संगठनों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और उन्हें विश्वास में लेकर एक सहमति बनाई जा रही है कि सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण है या सड़कों के किनारे की जो नालियाँ और नाले हैं जो ढक दिए गए हैं, जिनसे बरसात में वाटर लॉगिंग भी होती है, उन्हें सब साफ़ सुथरा किया जाए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।